हाय फ्रेंड्स, आज हम अभी इस वीडियो में मेडिटेशन करने जा रहे हैं। मैं बिगनिंग में ही बता रही हूँ। एंड ये मेडिटेशन है अपने स्पेसिफिक पार्टनर से शादी की कमिटमेंट की। जो शादी की कमिटमेंट हमें नहीं मिल रहे हैं, आप लोग बातचीत में आ गए हो, जो कॉल्स नहीं हो रहे थे, अनब्लॉक हो चुके हो, बातचीतें मतलब कॉन्वर्सेशन हो रही है आप लोगों की, लेकिन जो शादी की कमिटमेंट हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है, उसके लिए हम ये मेडिटेशन करने जा रहे हैं। मेडिटेशन में हम क्या करेंगे, अपने टेलीपैथिक मैसेजेस। हमें पता है टेलीपैथी इज देयर, ब्रेन टू ब्रेन मैसेजेस ट्रैवल होते हैं, तो हम उनको ये मैसेजेस अपने थॉट्स के थ्रू कन्वे करेंगे। ये मैसेजेस उनको जाएंगे और फिर वो उस लेवल पे काम भी करेंगे। इसके लिए सी ये हम क्यों कर रहे हैं, आप जब बातचीत कर रहे हो तो डायरेक्ट भी बोल सकते हो, पर होता क्या है कि जब आप लोग डायरेक्ट शादी की कमिटमेंट रख रहे हो तो फिर फाइट्स शुरू हो जा रही हैं। उधर से वो कुछ मना कर रहे हैं कि अभी थोड़ा देर है, कुछ है, तो आप लोग भी अग्रेसिव हो जा रहे हो, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जा रहा है। बट वेन आप टेलीपैथी के थ्रू थॉट्स भेजोगे तो थॉट्स इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन वाइब्रेशनल लेवल, ठीक है, और वो वहां जाके उनको जो जिस चीज के लिए उन्हें हमें बताना है, जो थॉट्स उनके अंदर एरोज करना है वो करेगा ये। अब यहाँ पे फिर क्लैशेस नहीं होंगे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, इसलिए हम मेडिटेशन लेवल में आकर के अपने वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। और मेडिटेशन में जब हम अपने थॉट्स भेजते हैं या फिर कुछ करते हैं, वो चीज़ टेक्निक से भी 10 गुना ज़्यादा होता है। मेडिटेशन में आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई लेवल पे चली जाती है, इसलिए ठीक है। तो बस ये मेडिटेशन हम उसी के लिए करने जा रहे हैं कि जो हम शादी की कमिटमेंट चाहते हैं वो उनको हमें थॉट भेजना है कि वो उस चीज़ के लिए बात करना शुरू करें अपनी फैमिली में, या जो भी उसके लिए आगे कोशिश करनी है, एक्शंस लेने हैं, वो सब चीज़ उन्हें करने स्टार्ट करने हैं। सो अब ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेना चाहूँगी, बस हम मेडिटेशन मोड में आएंगे। इस मेडिटेशन को स्टार्ट करने के लिए आप लोग प्लीज़ कहीं कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाइए, या आप लेट के भी कर सकते हैं, लेट के कर लीजिए। ये मेडिटेशन आप मॉर्निंग, इवनिंग, दिन में कभी भी कर सकते हैं, कितनी बारी भी कर सकते हैं। इस मेडिटेशन को करने के बाद एकदम से डेस्परेट नहीं होइएगा कि अब बस उधर से रिप्लाई आ जाएगा कि हमारी शादी होने वाली है। आप ये थॉट्स भेजते रहो भेजते रहो, डोंट आस्क हिम, ठीक है, कि एकदम से आप डेस्परेट होके पूछने लग जाओ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, ये थॉट्स जाने दो उनके पास, 2, 4, 5, 10 बार जितनी बार जाएगा वो उनको अपने आप ही वो बेचैनी शुरू हो जाएगी कि मुझे अब इस चीज़ के लिए बात करनी है, कोशिश करनी है। ये काम अपना कर रहा है, आप इसको ही अपना काम करने दीजिएगा। प्लीज़ डेस्परेट नहीं होना है किसी को भी। लोग लिखने लग जा रहे हैं बहुत जल्दी कि हमने तो मेडिटेशन कर लिया अभी आया नहीं, वेट करो, आएगा, होगा, सब होगा। आप अब आपकी वाइब्रेशंस भी बहुत हाई होनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हैं इसके रिलेटेड, और अब हम मेडिटेशन मोड में जाएंगे। प्लीज़ अपने आप को कंफर्टेबल करिए, थोड़ी देर लेट जाइए या बैठ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स कीजिए बॉडी को, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन मोड में जाइए। क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रीथ। जितने भी वाइब्रेशंस हैं वो सब हवा के माध्यम से ट्रैवल करते हैं, उसी हवा को हमें फील करना है, और हवा को फील करने का सबसे अच्छा तरीका है ब्रीद इन ब्रीद आउट करके, क्योंकि उसके थ्रू ही हवा हमारे अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। जैसे मैं बोलूं वैसे मेरे साथ कीजिएगा, टेक अ डीप ब्रीथ, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। नाउ जस्ट रिलैक्स, महसूस कीजिए एक सफेद रोशनी आपके ऊपर आ रही है, यूनिवर्स के पावर्स को महसूस कीजिए। इमेजिन कीजिए कि एक वाइट लाइट आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल सफेद। आप बिल्कुल हल्का फील कीजिए, हल्का महसूस कीजिए।
आप एनर्जी लेवल पे सोल को बुला रहे हैं, अपने पार्टनर के सोल को बुलाइए अपने पास। उनको इमेजिन कीजिए, अपने पार्टनर को देखिए, उनकी सोल से बातें कीजिए, उनको बुलाइए। आप उनके पास जा रहे हैं। अब आपने अपने पार्टनर का हाथ पकड़ा है, अब उन्हें पकड़ के आप अपने पास लेके आइए। अपने पास उस वाइट लाइट में बिठाइए उनको, उनका हाथ अपने हाथों में ही रखिए। अब आप अपने पार्टनर से उनकी आंखों में देखिए, स्माइल कीजिए, उस प्यार को फील कीजिए, उस टच को फील कीजिए जो आपके हाथों में उनका हाथ है, उस टच को महसूस कीजिए। अब आप अपने पार्टनर से बोलिए कि हम ये साथ ज़िंदगी भर के लिए चाहते हैं, एक दूसरे के साथ हम ज़िंदगी का सफ़र, हम सफ़र बन के चलना चाहते हैं। ज़िंदगी का सफ़र हम सफ़र बनकर तय करना चाहते हैं। आप मेरी ज़िंदगी में मेरे हम सफ़र हैं, आप मेरे लाइफ पार्टनर हैं, मैं आपको अपना मान चुकी हूँ या मैं आपको अपना मान चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी के सारे सपने, सारी उम्मीदें, सारी ख्वाहिशें सब आपसे हैं। मैं ज़िंदगी की हर खुशियाँ, छोटी बड़ी हर खुशियाँ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ या शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपके हाथों में हाथ डाले ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ कि हम दोनों एक दूजे के लिए बने हैं। हमारा प्यार बहुत गहरा और हमारा रिश्ता बहुत अटूट है। आप हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, आप हमें हमारे इस रिश्ते को, हमारे इस साथ को शादी के बंधन में बांधेंगे। विवाह की डोर से हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। हमारी शादी के लिए अपने घर में सबसे बातें करेंगे, सबको राज़ी कर लेंगे। हमारी शादी सब घर वालों की खुशियों से, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, सबकी ब्लेसिंग्स के साथ खुशी खुशी हो जाएगी। आप मुझे ये कमिटमेंट दे रहे हैं, आपका हाथों में मेरे हाथ में आपका हाथ है। मैं बहुत खुश हूँ। यही खुशी आप अपने पार्टनर के चेहरे पे देखिए और वो अब आपको यही कमिटमेंट दे रहे हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं और इसी शादी के बंधन को मजबूत डोर से बांधने के लिए वो सारी कोशिश शुरू कर चुके हैं। उनके दिल में सिर्फ आप हैं। वो अपने पेरेंट्स को आराम से राज़ी करेंगे अब और सबकी रजामंदी और खुशी से आप दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे। वो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं कि ये साथ ज़िंदगी भर का साथ है।
आप दोनों का हाथ और मजबूती से एकदम टाइटली क्लोज्ड है। कमिटमेंट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है जो आपके पार्टनर ने आपको दिया है, जो आपने अपने पार्टनर को दिया है। अब आप दोनों बहुत खुश हैं, एक दूसरे के चेहरे पे स्माइल है, आप लोग ब्लश कर रहे हैं एक दूसरे को देख करके कि अब आप एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। अब आप सब, आप दोनों मिलके यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए, यूनिवर्सल पावर्स को धन्यवाद दीजिए। ये वाइट लाइट जिसके नीचे बैठ के आप लोगों ने कमिटमेंट दी है एक दूसरे को, इस लाइट को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलिए। अब इस लाइट से वापस आइए, ये लाइट धीमे 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 वापस ऊपर जा रही है और आप वापस आ जाइए। अब इस मेडिटेशन मोड से बाहर आना है आपको, ब्रीद इन ब्रीद आउट करके हम बाहर आएंगे। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ओके फ्रेंड्स, सो हम अपने कमिटमेंट्स ले चुके हैं वाइट लाइट के नीचे बैठ करके, एंड मेडिटेशन ऊपर मेडिटेशन ओवर हो चुका है। सो दिस इज़ अ टेलीपैथी मैसेज जो हमने इस मेडिटेशन के थ्रू अपने पार्टनर को भेज दिया है, ठीक है। एंड ये मेडिटेशन आप लोग बार बार भी कर सकते हैं। सी, इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारी जो ये वाइब्रेशंस हैं, हमारी बॉडी की खुद की वाइब्रेशंस, वो कब हाई लेवल पे हैं। हम मेडिटेशन में तो हमारी वाइब्रेशंस ऑब्वियसली बहुत हाई चले जाती है, बट स्टिल टू सेंड टेलीपैथी मैसेजेस हमारे वाइब्रेशंस को, वो जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। जिनकी बहुत हाई लेवल पे फ्रीक्वेंसी होती है उनको एक ही दिन में भी रिजल्ट मिलता है, एंड बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, मैं शेयर भी करती रहती हूँ। ये मेडिटेशन और भी कब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तब जब आप लोग बहुत खुश हैं, ओके। जब एकदम से कभी कभी होता है हमने कोई गाना सुना और बड़ी खुशी महसूस हो रही है, उस टाइम पे गो क्विकली लाई डाउन समवेयर और सिट समवेयर इन अ क्वाइट प्लेस एंड डू दिस मेडिटेशन। बहुत जल्दी ट्रांसफर होंगे थॉट्स, ओके। सो जस्ट डू दिस टू गेट योर कमिटमेंट्स फॉर मैरिज एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। Okay, so thank you so much. God bless you all. Be happy.